प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। कैंसिलिंग प्लांट 2 में सृजनी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित। आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है गुरु केलुचरण महापात्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैंसिलिंग प्लांट 2 में 23 फरवरी को सृजनी सृजनशील योजना पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक कैंसिलिंग प्लांट 2 श्री बी नाग ने बैठक की अध्यक्षता की और सृजनी योजना के विजेताओं को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक कैंसिलिंग प्लांट 2 श्री जीएस राव, सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बीके बेहरा तथा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कुल 80 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिनमें से 22 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। लगभग 4,350 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के खातों में जमा किए गए हैं। कार्यान्वित सुझाव से एक मुश्त लाभ 7 लाख रुपए और आवर्ती लाभ करीब 15.02 लाख रुपए अर्जित हुए। मेले के दौरान लगभग 100 नए सुझाव मिले। श्री बेहरा ने सभा को संयंत्र और विशेष रूप से विभाग में सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ प्रबंधक कैंसिलिंग प्लांट 2 श्री एस सुमन ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम संचालन किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक कैंसिलिंग प्लांट 2 श्री बी नायक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है गुरु केलुचरण महापात्र। गुरु केलुचरण महापात्र निस्संदेह आज ओडिशा नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो एक प्रख्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरु रहे हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1926 को पुरी जिले के रघुराजपुर में हुआ था और वे पटचित्र चित्रकारों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कम उम्र में ही महान गुरुओं मोहन सुंदर देव गोस्वामी और पंकज चरण दास के अधीन गोटीपुओ नृत्य और पखावज सीखना प्रारंभ कर दिया था। थिएटर में आने से पहले उन्होंने रासलीला मंडली के साथ प्रदर्शन किया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उन्होंने गोटीपुओ नृत्य और महरी को नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करना शुरू किया और उन्हें अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। गुरु केलुचरण महापात्र समकालीन ओडिशा प्रदर्शनों की सूची और शब्दावली के मुख्य वास्तुकारों में से एक है। उनकी नृत्य शैली में उनकी सृजनशील क्षमता के साथ साथ ओडिशा के मंदिरों के प्राचीन ग्रंथों और मूर्तिकला में उनका अध्ययन भी सुस्पष्ट है। वास्तव में उनका नृत्य के प्रति दृष्टिकोण भक्तिपूर्ण है। प्रख्यात गुरु को कई उल्लेखनीय पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों में वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1972 में पद्मश्री, वर्ष 1998 में पद्म भूषण, वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिपी, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण और मध्य प्रदेश सरकार से कालिदास सम्मान शामिल है। इस महान गुरु ने 7 अप्रैल 2004 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।